नवरात्रि का सामान लाने के लिए, और इतना सारा सामान हो गया है, चार चार जोले हो गए हैं। और वहाँ पे इतनी भीड़ थी, ज़बरदस्त बाजार भीड़ थी कि फ़ोन वोन निकाल नहीं पाए हम वीडियो बनाने के लिए। अब आराम से घर में आ गए हैं, तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या लिया है। और सबसे पहले तो ये देखिए बॉटल, ये बॉटल मिली है, कहाँ गया इस चाय पत्ती के साथ ये फ्री मिली है वाटर बोतल। और अब मैं दिखाती हूँ ये तल वाला दोना, ये है मक्खन लावे, और ये बच्चों के लिए चाय के साथ खाने के लिए, और ये क्या है चौकोज है रुद्रांश का, एक छन्नी भी ले ली। ये है सिंघाड़े का आटा, ये है साबूदाना, और ये है व्रत में खाने वाला समा का चावल, एक तिल का तेल का है ये, और ये छोटा घी, घी तो है मतलब घर में घी बना के हम रखे हैं, लेकिन बस ले लिया है छोटा सा, हवन वन में स्टे कम पड़ जाएगा, डालने के लिए हो जाएगा। और एक ये लिक्विड वाला जो होता है गीला वाला लाल चंदन लगाने वाला रोली, और एक ये भी ले लिए वाइट टोन क्रीम, और ये पार्ले जी जो दो दो रुपए का आता है, ये डेली एक सुबह एक शाम रुद्रांश खाते हैं, और कभी कभी तो रात में भी। एक ये जैम, ये दही, ये है मूंगफली, ये है पंचमेवा, ये क्रीम वाला बिस्किट, ये है धूप लोबान वाला धूप, ये है मूंगफली का तेल जिसे आप व्रत में इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ भी छौंक पकाने के लिए, व्रत का कुछ बनाने के लिए। और एक ये स्प्राइट, और अभी मैं दिखाती हूँ, अब मैं मेन चीज़ दिखाती हूँ, मेन चीज़ जो है ये है धूप दीप, और ये देखिए इसमें जौ बोने के लिए ये कलश है, और एक परई है, एक दिया है ये, और अगरबत्ती धूपबत्ती ये है ही, और इसमें पान है, ये फूल माला, और इसमें है चुनरी है, और बस वही छोटे छोटे सामान है जैसे जौ हुआ, काला तिल हुआ, और कपूर, नारियल, चुनरी, सुपारी, यही सब है छोटी छोटी चीज़। और एक तरबूज भी ले लिया है, तरबूज तो मेरा फेवरेट है, अब बाज़ार में आ गया है तो अक्सर आता ही रहेगा। और ये है अंगूर, और इसमें देखिए क्या है, खीरा है, टमाटर है, और गाजर है, धनिया है, और इसमें आलू, इसमें 3 किलो आलू है। और ये देखिए ये रुद्रांश को घर में पहनने के लिए हमने ले लिया है, एक हाफ पैंट है, और ये टी शर्ट है। तो बताना आप लोग कि ये कैसा लगा, अच्छा है नहीं है, कॉटन का है, और रुद्रांश को ऐसे ही टी शर्ट पसंद आता है, हाफ टी शर्ट उनको ज़्यादा पसंद आता है, फुल नहीं पहनते जल्दी, और हाफ पैंट हाफ टी शर्ट अच्छा है पहनना, ये इन्हीं की पसंद है, इन्होंने पसंद किया है, तो फिर ये ले लिए। और इतना सारा सामान बिखेर के हम बैठे, धीरे धीरे इनको हम अपने स्थान पे रखते हैं,
और अभी भगवान जी की सब साफ सफाई करके मैं व्यवस्थित करती हूँ। सुबह से पूजा पाठ शुरू हो जाएगा, 9 दिन का व्रत चलेगा। माता जी का दिन आ गया है, तो आप सभी को जय माता दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, जो न्यू फ्रेंड हो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं फिर जल्दी अगले वीडियो में। और सुबह दूसरे दिन वीडियो मिलेगी, पूजा वाली वीडियो, कि कैसे मैंने पूजा की, कलश स्थापना की। तो फ्रेंड्स बाय बाय, जय माता दी।